यो होमीज, कैसा सभी लोग, आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आपका दोस्त और आज का होस्ट मैं हूँ ओमेगा विद इताची। हेलो गाइस, अब ये मत कहना कि मदारा कहाँ पर है, वो दोनों ये और इताची और मदारा रोज हर हफ्ते ही छुट्टियाँ मारते हैं हमारा काम और तनख्वाह लेने के वास्ते आ जाते हैं घर के सामने। तो मदारा को तनख्वाह दे रहे भाई, वो बंदा मुंबई गया था तनख्वाह पे, मुंबई गया भाई। तनख्वाह तनख्वाह से कंफ्यूज मत हो, सैलरी बोल रहे गवा। सैलरी तनख्वाह भाई, तुम क्या समझे कौन सी तनख्वाह? कुछ नहीं, ये सैलरी पे मदारा है ना, मुंबई घूम के आया। अब मदारा को भी हकालना है भाई थोड़े दिन बाद। हाँ, तो अगर तुम्हें कुछ दिनों में अगर मदारा की स्पेस खाली वाला कोई पूल मिल जाए तो अप्लाई कर दो। हाँ, इंस्टेंट अप्लाई करो, क्यों ले तो हमारे को भी जरूरत है कोई एडिटर। बंदे बहुत चाहिए भाई, कोई एडिटर की, एक पूरा किंगडम बनाना है एनिमे कल्चर का। हाँ, तो आज के पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। हम मतलब कुछ आठ पॉडकास्ट से डेमन स्लेयर पर बात नहीं करे, क्यों बोले तो हमारे को लास्ट एपिसोड में बात करने का था, पूरे एपिसोड की एंडिंग देखना था, एंडिंग देखने का था, मतलब आ रहे थे। तो हर एपिसोड से अलावा हम लोग समझे कि एक पूरे सीजन की कर लेंगे। वो क्या चल रहा था, एक एपिसोड आया उसके बारे में बात करें, एपिसोड रिव्यू हो जा रहा था। अब ये एक हिसाब से तुम सीजन रिव्यू समझ लो डेमन स्लेयर का, पूरा सीजन जो जो हुआ क्या होता, प्रीवियस सीजन नहीं है, उसमें क्या होने वाला है। इताची खाली स्पॉइलर नहीं दिया तो अच्छा है। तो पहले शुरू स्पॉइलर वार्निंग, स्पॉइलर्स होंगे इसमें। हाँ, बहुत खतरनाक लेवल वाले होंगे। नहीं, अब तक तो मेरे हिसाब से अगर डेमन स्लेयर के तुम वॉचर है तो देख लिए होंगे। नहीं, कोई कोई देखता नहीं ना, क्योंकि अराउंड कितने दिन हो गए आके, और छुट्टी वाले दिन आया था, संडे के दिन आया, संडे की रात में आया था 12 बजे। वही ना, अपने पास लोग देख लेते। हाँ, अब लोग क्या सोचते हैं मालूम क्या, पूरा एपिसोड पूरा सीजन खत्म होने वाला जब देखते। अब उनको क्या है ना कि मतलब देखने उनको देखना रहता कि मतलब पूरा अब क्या, एक एक एपिसोड एक एक हफ्ते का वेट करना पड़ता मेरे जैसे लोग। हाँ, महंगा पड़ लेते बाद में। वही तो इसलिए ना उन लोग क्या करते, पूरा एपिसोड खत्म होने देते, पूरा सीजन खत्म होने देते, फिर देखते महंगा। हाँ, बंदा महंगा के स्पॉइलर के वास्ते बोल रहा, बार बार स्पॉइलर दूंगा बोल के। देखो, अगर मेरे मुँह से स्पॉइलर निकल गया तो अनसब्सक्राइब मत करो। अरे मैं काट दूंगा, मगर मैं तुम्हारा भी गला काट दूंगा अगर तुमने वो कर दी तो। देखो, ये पूरे ग्रुप में एनिमे कल्चर में सबसे एक हिसाब से मांगा मैं पढ़ तू यही, मैं मांगा पढ़ तू, मैंने मतलब एओटी की सबकी मांगा पढ़े आ ली हो, एक हद तक मांगा पढ़ तू के लिए तो एनिमेशन में मजा आना पड़ के। ये बंदा एनिमे देखने से पहले ही मांगा पढ़ लेता। देख, वो एक रील पहले वायरल हो रही थी, देख तेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, जराया। जराया जिंदा रहेगा ना भाई वो। जिंदा रहेगा क्या हुआ उसे? अरे कुछ दिन पहले मैंने ओमेगा को जेजेके का इतना गंदा वाला स्पॉइलर दिया था ना। ये बंदा हम लोग का क्या, एक जगह पे बैठे आ ले हम पूरे दोस्त। अब ऐसी बात वो उसमें क्या है, एनिमे की बात निकल के जेजेके ही निकल गई। ये बंदा स्पॉइलर देना जो चालू करा रुका ही नहीं समझ लो अभी आगे के गान बंद कर रहे तो चिल्ला के कह रहा है, बताएगा अभी। ये समझ लो कि अगले दो सीजन के ओमेगा को पूरे पक्के स्पॉइलर है। वही अब मैं इताची जैसा नहीं हूँ, मेरे पे तुम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं मेन पॉइंट पर, जो के है बक्सोदी बहुत हो गए। तो बढ़ते हैं मेन पॉइंट पर, डेमन स्लेयर सीजन 3 रिव्यू। तो इताची से पूछते हैं पहला एपिसोड कैसा लगा। एज एक्सपेक्टेड डेमन स्लेयर। देखो, पहली बात स्टोरी के लिए तो थे एक्साइटेड, मैं तो था। एनी देखो, मैं मांगा पढ़ा पहला सीजन का, तो तुम पहला एपिसोड नहीं भी देखे तो चलता के लिए, तो वो पुराने सीजन का मतलब लास्ट वाला एपिसोड उठा के वो पेस्ट कर दिया। देखो, सब ने क्यों देखे, मेन वजह मित्सुरी का मात वाला सीन, मित्सुरी की तरफ से देखे सब ने। मित्सुरी अगर गिरने का तो इतने चाटे मारूंगा, वो मिल्क सूरी है, वो मिल्क सूरी उसकी तरफ से सबने देखे पहला एपिसोड, खासकर मैंने। देखो कितना बोले तो कितने मिनट का एपिसोड था वो, अराउंड वो मतलब एक घंटे का था। एक घंटे का था ना, तो उसमें समझ लो 45 मिनट्स वो था पूरा प्रीवियस एपिसोड, मतलब ग्यूतारो वर्सेस टेंगेन। हाँ, और मिल्क सूरी का वो बात वाला सीन मिला के। हाँ, कोमा में था। हाँ, ये था मतलब आखिरी के 15 मिनट में उन्होंने क्या क्या झोल माल करके तुम्हारे मुंह पे मार दिए। और सेकंड एपिसोड में सब अपने अपने रास्ते। हाँ, सब कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, स्वाट्स विलेज में चल गया,
जेनोस वो कौन से तो आइस में चल गया, और एंटार्क्टिका में चल गया, हाँ बेचारा मतलब वहां पे भी इनोसु रो गया रहा। तो दूसरी जगह चल गया। जेनित्सु वाला मेरे को सीन अच्छा इसलिए दिखा क्योंकि अब जेनित्सु को एक हिसाब से वो लोग कैप्टन बनाना चाह रहे, क्योंकि हाँ उसको एक स्क्वाड दे देते वहां पे, हाँ और वहां पे स्क्वाड वाले जेनित्सु को पकड़ के बोलते कि हमारे साथ हमारे साथ रहो। वो बंदा वो वहां बंदा से वहां पे रो रहा है, यहाँ जीरो पे तांजीरो मुझे लेके जाओ, यहाँ पे बहुत सर्दी है क्या वो बात भाई ये। अच्छा दिखा एक हिसाब से मेरे को, है ना, क्या बोल सकते हैं, फनी केमियो दी है वहां पे जेनित्सु हाँ का। और मेरा हिनोसुके का तो पता ही थे, अब जिस हिसाब से उन्होंने आगे के एपिसोड में गायब होने वाले थे उस हिसाब से अच्छा बताया हाँ। कि हाँ ये लोग अपने अपने राह पे है, अपने ऐसा अपने नहीं मतलब कि तुम कोमा में थे इसलिए वो लोग अपने अपने उसमें मिशन से हाँ चल गए, वो जल्दी उठ गए थे वही, ऐसा नहीं कि तुम्हारे बाजू हाथ पकड़ के बैठे हाँ अब उठ उठेगा जा उठिया वेक अप वेक अप मदरफक ट्रेडियट्स वाला थी ना उठ जाएगी तुम्हारे बहन से शादी कर लेगी, देख जेदित तू नेजी को भी शादी करेगा काजीरो इतनी गंदी गाली देके उठेगा और क्या बोलेगा पता है क्या, ए बेड़िया ए बेड़िया शॉर्ट का कवर निकाल के सीधा शॉर्ट दे। तो हाँ तो मतलब सेकंड एपिसोड डिसेंट व्हिच मतलब वही सी दिखा जैसा आप तुम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ एंट्री होगी स्वाट स्मिथ ब्रिज में, तीसरे दिन इज क्या तांजीरो उठ गया, तांजीरो मतलब वो गया चल गया एंट्री हो इंटर होगा हाँ मिसोरम मिसूरी में क्या मिसूरी में क्या मिसूरी में हाँ तो हाँ विच मतलब बहुत स्लो स्टोरी चल रही थी इसमें, आज जैसे ही मतलब पांचवा एपिसोड खत्म हुआ तीन से पांच तक समझ लो तुम हाँ, स्टोरी स्लो है स्टोरी बहुत मतलब, स्लो है तुम टू इन टू में देखे तो चलेगा हाँ मतलब उसमें थोड़ा क्या है ना उसमें यूरिची का मतलब पपेट बताने वाला है ये सब एक हिसाब से समझ लो सराउंडिंग बता रहे हो हाँ कि अभी अभी ये और सब उसका है वहाँ पे वो थे कि यूरिची मतलब उसको छह हाथ क्यों दिए हाँ, क्यों बोले तो वो 360 एंगल से मारता था उसको उसको एक मतलब नेम टैग मिले आ जाता 600 कटाना यूज हाँ वो मतलब हर जगह से मारता था हर जगह से मतलब हर जगह मतलब हर एंगल से वो मतलब बंदे की स्पीड इतनी थी और स्किल इतनी परफेक्ट थी हाँ। कि उसको छह हाथ वाला यूजर बोल के ऐसा अकॉर्डिंग करते थे और उसके हिसाब से उसका पपेट बनाए हाँ। थे अब वो उसमें मतलब बहुत मतलब ड्रामा टाइप चला हाँ एक हिसाब से मतलब बैक स्टोरी थोड़ी हाँ। योरिची की बताए उन्हें योरिची तांजिरो के दादा रहता कि बाप रहता कि समझ में आया मेरे को अब तक दादा उसका मतलब वो रहता मिला था उससे हाँ, उसने जान बचाया था योरिची ने बाघ की तांजिरो हाँ, के बाघ की हाँ, जान बचाया था योरिची वो तो उसके काम में आया था हाँ, वो जो एक हिसाब से समझो ना तुम्हारे तीन तीन तांजिरो एक तरफ दिखेंगे हाँ, उसका बाप योरिची उसका मतलब फिर वो तीनों की हेयर स्टाइल सेम तीनों मतलब पेशानी पे वही मार्क फोरहेड पे उनके और उनका जो हिनोगामी कागुरा वाला हाँ वो भी सेम ही ये बंदा संग्रीति यूज करता एयर बैंड जान बचाया था ना फिर वो हिनोगामी कागुरा का कुछ उससे चलते आया था सन ब्रीथिंग का तो उस हिसाब से उन्हें योरिची के इयर रिंग पहना सन ब्रीथिंग डांस से ऐसा होते हिनोगामी कागुरा ऐसी है ना हिनोगामी कागुरा हाँ वो बना तो ये लोग एक हिसाब से योरिची के डिसेंडेंट बन जा रहे थे हाँ मतलब अभी वो योरिची का क्या है ना कोई हस्ती नहीं थी मतलब उसका ना बेटा था ना कुछ वो था सिग्मा तो, था बंदा हाँ सिग्मा नहीं मतलब उन्हें प्रोटेक्टर था इसलिए कि बोले तो शादी कर लिया तो उसका एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती ना हाँ भाई भीमन सिंह मेरे बच्चों को किडनेप कर लेंगे खत्म खत्म फिर मेरा वॉइस करियर खत्म पैसे कहाँ से लाऊंगा पैसे कहाँ से लाऊंगा लोग मुझे खिलाते तो एक हिसाब से समझ लो वो एक थोड़ा सीन योरिची का बैकग्राउंड दिखाने के लिए था हाँ और मतलब आगे स्टोरी बढ़ते रहती है हमें मतलब मुइचिरो मिस्ट यूजर द मिस्ट हशिरा बच्चा 14 साल का 14 साल का मतलब उसकी बहुत डार्क स्टोरी थी डार्क स्टोरी है और जिस हिसाब से बंदा उसमें से बाहर आके ऐसा इमोशनलेस बनाना और उसके बाद हमें क्या दिखता है गेनिया फ्रेंच यूजर फ्रेंच मतलब रशियन स्टाइल है रशियन स्टाइल अमेरिका क्लासिक अमेरिका हाँ क्या कार्बॉय हाँ फिर सातवें एपिसोड से मतलब हो गया एक्शन चालू होगा आ गया अपर फोर मारना चालू विलेज को तोड़ना चालू सब होगा छठे एपिसोड में कुछ आया था ना अपर फोर वो मटके हाँ, में हाँ, से हाँ, मतलब उन्हें
वो कर रहा था। हाँ, और रिस्पेक्ट कर रहा था इससे, कि कहाँ पे वो, ये छठे पांचवे से चौथे के बीच में आई थिंक वो था अपर मून कैसल मीटिंग। हाँ, अपर मून कैसल मीटिंग, जिससे सेकंड एपिसोड, सेकंड एपिसोड में था ना। हाँ, कैसल, हाँ, अपर मून कैसल मीटिंग, उसकी एनिमेशन आए आए आकाश। मैं बोल रहा हूँ ब्रो, मांगा में उतनी अच्छा नहीं था। मैं पार्शियली दिल से बोलता हूँ, मांगा में उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उन्होंने ऐसे एनिमेशन करेंगे। हाँ, हाँ। इधर से फ्लोर, उधर से फ्लोर, से फ्लोर आकाश ऐसा एक तरफ बैठ के पूरा उल्टा पुल्टा को बैडेस लुक में बताया वाला। हाँ, एक हिसाब से वो बंदा कैसा अपने फोन के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को सब सूरज में जा निकलने का है, मैंने बहुत दिनों से मतलब धूप नहीं देखा, सन लोशन लगा के अब तो निकलूंगा। तो क्या है, वो अपर कैसल वाला सीन बहुत अच्छा है। हाँ, एकदम ओपी है एक हिसाब से समझ, मतलब इतना खतरनाक लेवल की जो वो कर रहा है ना, फर्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड दोनों में एनिमेशन गॉड लेवल की है। और इसमें मतलब डिसेंट डिसेंट है, हाई अच्छी, मगर जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ना अपन, वो फर्स्ट और लास्ट एपिसोड में बता रहे। फिर ऐसे कुछ चलते हुए छठे पांचवे एपिसोड, फिर अपर रैंक और स्टोरी जा मस्त हाशिरा का विच लड़ाई होती दोनों में, फिर और हमारा कट्टे रहता थोड़ी थोड़ी देर क्योंकि बोले तो एपिसोड खत्म हो जाता वो टाइम पे, और हम वही आशा में रहते। देखो मैं तो नहीं था आशा में, मैं मांगा पढ़े आता था। ये बंदा मस्त खुशी में चले तो मांगा दी था। मैं दोनों को बोलने को तैयार था ब्रो, आगे ये होने आ जाए। और मैं क्या है, जो मिस्टर मतलब स्मिथ, मतलब स्वॉर्ड स्मिथ विलेज का आर्क नहीं पढ़ा, आगे के पूरे मालूम, वही आगे के तो, आगे क्या है, आगे के तो बहुत ओपी है वो, आगे की बात में बात आगे का बात बोलिए। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एपिसोड के बाद अपर मून फोर, मटके वाला इंसान, मटके में फंसा लड़ मटके में फंसा देश तो वो बंदा निकलता, वो बंदा निकले बाद वहाँ पे फाइट है, फिर मिस्ट हशीरा जिससे तुम एक्सपेक्ट कर रहे जैसा उसके शॉर्ट्स। हाँ, बाकी एपिसोड में चलते आ रहा है इन्हें, मगर हाँ, योरीची का डिसेंडेंट बोलते हुए। हाँ, अब हम मतलब ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हम क्या कर लेंगे एपिसोड वाइज दिन बोलेंगे, अब हमारी बातचीत भी करें ऐसा एपिसोड वाइज बोले ना तुम बोर हो जाते। हाँ, फिर तो ऐसा करते हुए एक दो घंटे का बन जाता। हाँ, एक दो घंटे का भी बनता और क्या है ना, मतलब बोर हो जाते। तो एक हिसाब से समझ लो अपना मुइचिरो और अपर मून फोर की फाइट है। और उनकी, अरे भाई ये तो शुरू होने से पहले आ जाता हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारी फाइट कैसी रहेगी, वो एक एपिसोड चलेगा फिर एक दो हफ्ते तक बंदा एक जगह ठहरे आला है। हाँ, ठहरे आले। देखो एक कंप्लेन है भाई, आरी फाइट तो मैं ना मिस्ट हशीरा और अपर सिक्स अपर फाइट की बात हूँ, और दूसरे फाइट मतलब आधा हुआ कि तांजीरो केनिया केनिया वाली नेजुको तीनों की फाइट उधर बता रहे वो, देखो पर फोर के साथ ऐसी करना पड़ता, अपने पुराने एनिमेज में भी ऐसी छोड़ याद है। हाँ ना, मतलब तो मैं भी इधर मदारा लड़ते हुए काबुटो वर्सेस इटाची नहीं नहीं नहीं, नहीं उसमें क्या होता मालूम क्या, उसमें तुम फिर आधे उसमें काट दे रहे वो उसका भी आधा करके, उसमें क्या एक्साइटमेंट लेवल है ना बढ़ की फिर डिक्रीज होती ना, वो टाइम पे थोड़ा अफसोस होता वही ना, उसके आगे होने वाले हाँ। फिर उसके बाद तुम ऐसा 10-15 सेकंड का केमियो दे रहे, हाँ। काट दे रहे सी। और वो एक तरह का ये मार्केट स्ट्रेटजी भी के बोले तो मांगा बिकनी भी चाहिए कोई। हाँ। मांगा लोग क्या करते हैं, मांगा पढ़ लेते हैं। अब मांगा में एक दो पैनल के बाद फाइट चालू हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं कर रहे थे कि हाँ एक दो हफ्ते ठहरा दिया बंदे को, हाँ ठहरा दे रहो बोल के। और मतलब फाइट बहुत खतरनाक थी, देखो खाली अपर फोर के साथ जो बोले तो अपर जो फाइट था ना वो आने के साथ चल गया। देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी जैसा बोल रहे बंदे कि अपना ग्योतारो उसको अपर मून फाइव होना चाहिए था। हाँ, हाँ। अपर मून फाइव जो है उन्हें पावरफुल था। हाँ। मगर एक हिसाब से समझ लो, एक मैं तुम्हारे को वही डीमन स्लेयर की एग्जांपल देता हूँ। हाँ। ड्रीम वाला डीमन याद है। हाँ, हाँ। वर्सेस रेंगोकू। हाँ। रेंगोकू ड्रीम वाले डीमन के लिए बहुत ओवर पावर था। हाँ, हाँ। एक हिसाब से समझ लो अगर 1v1 रहता था तो रेंगोकू हरा देता था। तो ये मसला इसके साथ हुआ, अपर मून फाइव मुइचिरो के लिए बहुत कमजोर था। हाँ। मुइचिरो है ना बहुत ओवर पावर्ड है अपर मून फाइव के लिए। एक हिसाब से ऐसा एक क्या बोलते पलडा वेट पूरा। हाँ, मतलब एक तरह का मतलब तरह वेट गया। हाँ, वेट जो हैवी वेट था ना वो पूरा मुइचिरो के पास था। क्या बोल सकते हो उसको उसको छोड़ो वेट छोड़ो जो है जो वेट है मतलब जो मशीन रहती है जो के वेट वो करती है नापती है तोलती है वो छोड़ो अब क्या बोल सकते हो उसको। हाँ। वो कमेंट में लिख दो है तो अगर हाँ, हम दोनों के दिमाग में चल रहा मगर हम लोग वो मशीन हमारे दिमाग में हिल रही है मगर वो नाम याद नहीं आ रहा।
तो वही एक हिसाब से है ना, इसका मुइचिरो का पलड़ा भारी था उस हिसाब से, क्योंकि वो बंदा मतलब देखो। नहीं, अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपर अपर फायर है, अपर सिक्स अपर सेवन था वो, तो अपनी एक्सपेक्टेशन ये डीमन स्लेयर वालों ने शाई करे थे। क्यों? ग्यूतारो वर्सेस तेंगेन में ग्यूतारो अपर सेवन था, वही ना सेवन ही जितना डेंजर था। ग्यूतारो वर्सेस तेंगेन, ग्यूतारो वर्सेस तेंगेन, ये फाइट की तरफ से अपनी हाइप इतनी बढ़ गई थी कि कुछ आगे और खतरनाक फाइट होगी, मगर नहीं। मतलब मुझे थोड़ा वो दिखा कि मतलब शुरू होने से पहले खत्म हो गए भाई, एक्शन लेस एक्शन मोर ड्रामा, ये हो गया। वो मदारा बैठ के बोलता ना, व्हाट अ फेलियर, वही। और मतलब उसके बाद और वो मरे बाद भी मतलब अपर फाई का एक नया फॉर्म निकल के आ जाता है, वो मेरे को पसंद नहीं आया। बैडेस्ट फॉर्म अपर फाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे भाई वो अपर फाई, अभी देखो अब क्या है, म्यूचिरो दुनिया का बैडेस्ट, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाँ एक हिसाब से क्या तांजीरो भी पेल दे रहा उसको। हाँ तांजीरो का क्या समझ लिए देखो। हाँ भाई उसके पास सन ब्रीदिंग है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, मिसोरी आ रही है, मिसोरी आके मतलब उसको पेल दे रही है। तो भी मिसोरी एंट्री आएगी सब 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 पूरे डायगोनल कट के। तो मिसोरी मिसोरी है भाई, उसकी सॉर्ड ही देखो कैसी है। हाँ सॉर्ड है मगर उसकी सॉर्ड पहली बात फ्लेक्सिबल है, हाँ बेल्ट टाइप। हाँ तो वो क्या बोल सकते हैं, नान वो कुछ तो रहता ना जिससे सर्कस में शेड़ों को नचाते। हाँ मतलब वो जिप लाइन, आई थिंक क्या बोलते हैं उससे करते ना। हाँ चल छोड़ क्या, तो नाम याद नहीं आ रहे। हाँ, वो वैसा कुछ तो रहता हो मिल्क सूरी की सॉर्ड। हाँ तो एक हिसाब से समझ लो वो फाइट है ना मिल्क सूरी के छात में थी। हाँ वो ऐसा नहीं है कि मतलब मिल्क सूरी ने उसको मारा, नहीं तांजिरो ने मारा, खाली उसका जो बैडेस्ट फॉर्म था ना, वो जो उसका अवतार था, जो अवतार था उसका, वो मिल्क सूरी हैंडल कर रही थी, और उसमें हार भी ले रही थी, हार उन्हें रो भी ले ली थी। लास्ट एपिसोड की बात करते हैं, लास्ट एपिसोड डायरेक्ट लास्ट एपिसोड में चलते हैं, क्योंकि ये पूरे एपिसोड में बकचोदी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, मजा नहीं आता। देखो डीमन स्लेयर वालों एक बात है, तुमने वो फिश पे क्या सीजीआई यूज करे? अरे सीजीआई नहीं भाई, वो कार्टून कार्टून भी नहीं यार। अरे इससे अच्छा वो करिश द कावड़ी डॉग शो में पत्थर लौटा दो था यार। अरे वो भी सीजीआई था मगर दुनिया का खतरनाक बैडेस दिख रहा था ना बंदा, हॉरर स्केरी, फिर दुनिया का मैं डर गया था वो देख के। वो फिर एक वो चूहा टाइप रहता देखो, जिसके हाथा म्यूटेंट टाइप रहते। हाँ 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 वो आवाज करता था। हाँ, जो दुनिया के अच्छे थे सीजीआई उसकी, अब क्या हुआ, अब तो 2023 है यार। नहीं नहीं मतलब उन्होंने कोशिश करे अच्छा है, मतलब सीजीआई लगाना इतना आने में ना सीजीआई लगाना बहुत बड़ी बात है। बात है भाई सही है, मगर लगा रहे क्यों? अगर तुमको ऐसा निगेटिव हेट मिलेगा तो अगर तुम नया ट्राई कर रहे तो कोई क्या बोल सकते हो उसको, फिलर एपिसोड में ट्राई करो ना, फिलर एपिसोड में भी ट्राई करो। और क्या है ना मालूम, अटैक ऑन टाइटन के उसमें लास्ट एपिसोड में उसका जो फाइनल एपिसोड आया था उसके अंदर है ना, फाइनल एपिसोड आया नहीं, फाइनल से पहला पार्ट 2 फाइनल एपिसोड, फाइनल सीजन पार्ट 1। हाँ तो उसके अंदर क्या सीजन बहुत जगह करे नोटिस हुई तुम आओगे क्योंकि तो क्योंकि जो कोलोसस टाइटन जब है ना रमलिंग कर रहे थे ना वो टाइम पे ना सीजन करे वाला था, वो नोटिस नहीं हो रहा था क्यों बोले तो क्यों नहीं हो रहा था। हाँ उसके बैकग्राउंड में अपन इतना खो गए थे ना। हाँ क्योंकि वो AOT आई थी कितने 2 साल बाद उसका एपिसोड देखने मिला था अपने को, और वो बंदों ने मापा वालों ने इतनी अच्छी तरीके से बैकग्राउंड में ब्लेंड करी ना सीजीआई को, ऐसा नहीं कि एक मच्छी दो पैरों पे चल रही दिख रही थी। मतलब भाई एक ही मछली नहीं थी वो हर मछली में जो जो उन्हें समन कर रहा था ना वो मटके में फंसा, हर 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 फिश में ना सीजीआई यूज करा, बहुत गंदा दिखा मैं। और मतलब जो ड्रैगन थे अपर फाई के उसमें भी सीजीआई वो एक बारी का अच्छा था, वो एक बारी का अच्छा चल सकता क्यों भाई, तो वो इतने भी ऐसा फ्रेम ड्रॉप से फ्रेम से उठ के आके नहीं दिख रहे थे जितना वो मछली दिख रही थी। तो वही मतलब लास्ट एपिसोड में तांजीरो के पास एक नई एबिलिटी खुल जाती है अंडरवर्ल्ड के अंदर देखने का, जो अंदर वो अंडरवर्ल्ड बोल रहा ब्रीदिंग की पावर रहती है ना। हाँ 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 देखो लास्ट में इतना सोचा था मैंने कि शायद ज़ेनित्सु आएगा, क्योंकि बार बार तांजीरो ज़ेनित्सु वाली बात दोहराते रहता। बड़ी बात की ज़ेनित्सु तांजीरो ज़ेनित्सु की थंडर ब्रीडिंग यूज़ करा था।
करा नहीं, टोटल कंसंट्रेशन। हाँ टोटल कंसंट्रेशन करा था, क्यों बोले तो उसको ख्याल आया था कि जेनित्सु, जेनित्सु ने कहा था कि इसको कैसा यूज कर। थंडर ब्रीथिंग का मेन है देखो फॉर्म कि तुम्हारे पैर पे कंट्रोल रहना, टोटल कंसंट्रेशन पैर पे रहना। हाँ। तो तांजिरो जब उसको पूछता ना, सबसे पूछ इनोसुके को भी पूछता बीस ब्रीथिंग का, तो बीस ब्रीथिंग का ऐसा कुछ नहीं रहता। बीस ब्रीथिंग तुम्हारे जंगलों में रहे या वहाँ रहे उससे प्रैक्टिस हुई तो बीस ब्रीथिंग आती। मगर जेनित्सु का मामला उल्टा है, जेनित्सु का पूरा ब्रीथिंग कॉन्सेंट्रेशन उसके पैरों पर रहता। तो तांजिरो वही पूछता उसको, आखिरी एपिसोड में वही याद आता कि जेनित्सु ऐसा बोला था कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन अगर पैर पे करे तो अपनी स्पीड बढ़ जाती। और उसकी जो एनिमेशन थी ना टोटल कॉन्सेंट्रेशन वाली, सस्ता डीमन धुनी भी आंच पे उभना हुआ। तो वो एक इतना सही सीन है ना, वो जैसा तांजिरो दोनों के बीच में से ट्रेन जैसा निकलता ना, बहुत डीमन भाग रहे और तेज भाग रहे, अच्छा खासा तेज। तांजिरो पीछे से वो एक नरूटो वरूटो का सीन है देखो, नरूटो भागते ट्रेन के पीछे, नरूटो सब सामने ट्रेन के सामने आके हाथ लगाता, वही सीन आया था। वही एकदम इतना सही, वो केमियो बोल सकते हो ना उसको, वो बहुत बहुत अच्छा दिए, बहुत अच्छा दिए। और एक बात अच्छी लगी कि तांजिरो के पास एक माइंड एबिलिटी भी है, ऐसा नहीं कि मसल माइंड है, उन्हें जिस हिसाब से बता रहे थे उसको, बंदे के पास आईक्यू भी अच्छा है जिस हिसाब से उन्हें तलवार चला था। और फिर लास्ट में, लास्ट एपिसोड में इतना ब्यूटीफुल सीजीआई, सूरज निकल रहा। हाँ। वो भाई क्या सीजीआई दिखा, वो सीजीआई और उसके जो एनिमेशन थे, योर नेम वाले, योर नेम से भी टॉप रखूंगा। योर नेम से टॉप थे, मैं बोलूंगा। भटकते नहीं हम, भटकेंगे नहीं इस बार। जो भाई जो सूरज निकल रहा वो रियलिटी ऐसा रियल में निकल रहा है, धीरे धीरे धूप ऐसा आ रही है फील्ड पे। जितना वसूल हुआ ना वो आखिरी में यूज करे, जितना उन्होंने मूवी से कमाया। हाँ वो जितना बात सीन में यूज होगा ना पैसा, जिस हिसाब से फैन तुम लोगों के काटे, पहली बात हम नहीं देखे बात सीन थिएटर में जाके। भाई अभी भी कम है उस बात का, मगर लाइक अच्छा दिख रहा, क्यों बोले तो हमारे थिएटर में सबटाइटल अलाउड नहीं थे, अलाउड नहीं थे मतलब अवेलेबल नहीं थे, बगैर सबटाइटल के देखे हमारे पास के लॉन्डो ने, मगर देखे हाँ क्योंकि उनको सबटाइटल नहीं देखने जाना था। हाँ और वही मतलब लास्ट में बहुत अच्छी सी चीज हुई कि नेज़ुको मतलब सन में निकल सकती है, दिन में निकल सकती है, थोड़ी थोड़ी बात कर रही, थोड़ी थोड़ी बात नहीं, वो उन्हें डीमन इंसान बन गई थी उन्हें, एक हिसाब से क्या बोल सकते हाफ डीमन हाफ ह्यूमन। हाँ हाफ डीमन हाफ ह्यूमन, मतलब उसका जितना भी मतलब पर्सनालिटी है वो ह्यूमन वाली है, मगर उसके जो फिजिकल वो है ना वो डीमन वाला है, अंदर से मेंटली उन्हें थोड़ी थोड़ी ह्यूमन है। हाँ। मतलब उसको पास्ट के जो विजन उन्हें जब पहली बार बोला था, मतलब उन्हें बोली ओहायो ओनीचा, और वो सीन देख के जो तांजिरो गम में चल गया था, नेज़ुको बात कर सकती है। देखो मेरे को कुछ डाउट नहीं है, मेरे को कुछ वो नहीं है, क्या बोल सकते हैं रिजेक्शन मूवी से। हाँ, लास्ट एपिसोड से भी नहीं है, मैं इतना 10 ऑफ द 10 दूंगा लास्ट एपिसोड। एक्शन कम ड्रामा कम एक्शन ज्यादा होना। हाँ। था मेरे को वो क्या हुआ, वो बंदा पहले 4 एपिसोड से भाग रहा था। हाँ। छोटा वाला डीमन। हाँ। आखिरी एपिसोड में भी भाग रहा ही बंदा, सूरज के उसमें भी भाग रहा होने, और क्या इंसान को मतलब आगे स्पीड विलेज वाले जो लोग रहते हैं ना वाले, एक झुंड में बैठे वाले रहते हैं, वो बंदा बगैर मुंडी के भी उनके पीछे भाग रहा। हाँ, क्यों बोले तो बंदा क्या कर रहा, भाग मिल्खा भाग देख के आया क्या बंदा है भाई, भाग रहा पीछे से, फिर वही चोर एक बार टीजर आ गया, टीजर ट्रेलर बोल सकते क्या उसको, आ गया शायद, नहीं आया, कंफर्म हुआ अगला सीजन कंफर्म हुआ इन्फिनिट कैसल आर्क। वो आर्क अब समझ लो तुम, ये मोस्ट ब्रूटल आर्क होने वाला है, बहुत खतरनाक चीजें बताने वाले हैं उसमें। वो एक हिसाब से समझ लो बहुत ब्रूटल आर्क होने वाला है, क्यों बोले तो अभी जीता तुमने भी खून खराबा देखे ना, वो कुछ नहीं है उसके सामने,
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्यों बोले तो अब डीमन स्लेयर का ज्यादा भी बोले तो बोर नहीं हो जाना। जो बोर नहीं हो जाना, और मतलब जो बिगनर्स रहते हैं ना उन्हें पहले आके देखते हैं तो उन्हों मतलब उनको भी देखने का मौका मिलना अच्छा वाला। देखो भाई देखो, देखे बात बोलो कैसा तो दिखा। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है ब्लैक क्लोवर द स्वॉर्ड ऑफ द विजर्ड विजर्ड की। इसका रिव्यू देने आ गया बेसिकली। मूवी आके आई थिंक 4 दिन हो गए, 4 से 5 दिन नहीं 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 16 तारीख को ही थी वो। बहुत अच्छे खासे दिन हो गए। हाँ मतलब हमारा तो क्या है, हम लोग संडे को करते, मतलब आज तो हम ट्यूजडे को कर रहे हैं बेसिकली, क्यों बोले तो सीजन 2 का लास्ट, सीजन 3 का लास्ट मसला ये आया था, हमारा माइक खराब हो गया था बीच में, माइक में वाटर ब्रीथिंग घुस गया था तो थोड़े मसले आ गए थे, नहीं तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत टाइम पे मिलने वाला है, टाइम पे मिलेगा शायद, अगर लेट हुआ तो समझ जाओगा इस प्रॉब्लम थोड़ी होती। और हमारा तीसरा मेंबर जो सैलरी लेके भाग गया, वो सैलरी लेके भाग गया, वो मस्त बीच में ना लड़कियों के साथ डांस कर रहा है। हाँ वो कर चुका है, कर चुका है, अब तक तो सो रहा होगा गवार। ये सब छोड़ते हैं, हम बोल ब्लैक क्लोवर पे आते हैं। ब्लैक क्लोवर का भाई तुम रेटिंग कितनी देंगे पहले ये बोलो। मैं देखो रेटिंग जिस हिसाब से दूंगा उसको दूंगा 10 out of 10। मैं मतलब बेसिकली देखा वो मूवी, मगर अभी क्या है मैं बिगनर हूँ, मेरा सीजन 2 ही खत्म नहीं हुआ अभी, अभी मैं देखा अभी कुछ समझ में नहीं आई, अब वो मेरा कुछ पॉइंट नहीं है, कोई मुझे गाली नहीं देगा तो एक हिसाब से समझ लो ओमेगा अभी बिगिनर है ब्लैक क्लोवर में, और मैं मांगा पड़े भाई को बड़े बंदा मांगा पड़े आ रहा तो मैं को और ये हाँ ये पहली बात की नॉन कैनन है, नॉन कैनन है पहला पॉइंट, जो अगर तुम ऐसा जा रहे हो भागेंगे अरे ब्रो मूवी है ऐसा कुछ नहीं है, नॉन कैनन मूवी है। अगर तुम्हारा देखना है एज अ फैन अच्छी मूवी है, अरे बहुत अच्छी मूवी, भर भर के एक्शन है, शुरू में से एक्शन चालू हो जाएगा उस ऐसी मूवी हो। ऐसा मत करो कि तुमने ब्लैक क्लोवर चालू भी नहीं करे पहले मूवी देख लिए, नॉन कैनन है बोल के। आस्था का नया फॉर्म है उसमें। हाँ तो हाँ इसमें पूरे के पूरे पैसा किंग आने वाले, पूरे के पूरे नहीं प्रीवियस के 4। हाँ प्रीवियस के 4 शुरू, मतलब मोस्ट पावरफुल एक हिसाब से समझ, और उन हमारे 5 नाइट किंग्स के साथ लड़ना है। अब इससे ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे तो ख़राब हो जाएगा। हाँ मतलब रिव्यू बोले तो मतलब हाँ अब जब भी आए वाली बोल के हम थोड़ा थोड़ा रिव्यू करेंगे, क्यों बोले तो आप लोग को भी देखना है बोल। अब आगे वो उस पर छे पूरी बेस्ड। हाँ मूवी 5 नाइट से फाइट होंगी और 5 नाइट्स की उनकी अकेली स्क्वाड्स। हाँ उनसे फाइट होंगी, अब इससे ज़्यादा बोलेंगे तो मैं बोलूँगा गाड़ेस्ट फाइट मूवी तो आस्था का जब नया फॉर्म अनलॉक होता, उन्हें बोलता ना यू डाई अगेन इट्स सो अनोइंग बोलता ना उन्हें, वो बहुत खतरनाक। देखो कुछ नहीं इससे ज़्यादा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक हमारे पास जो है अभी न्यू टॉपिक जिसका नाम है वन पीस लाइव एक्शन सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पे अगस्त 19 को आने वाले। अभी उसका टीजर ट्रेलर, क्या बैकग्राउंड साउंड, क्या हो मतलब गूज़बम्प्स देने वाला बैकग्राउंड सॉन्ग। अब जिस हिसाब से देखो वन पीस हम देखे नहीं। हाँ मैंने देखा है, मैं कुछ 5वें सीज़न तक गया हूँ, मैं देखा नहीं भाई। जो जो पहले शुरू मतलब फर्स्ट सीजन में था पूरा उसमें टीजर में बताया कवर करें। हाँ अब देखो अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, वन पीस देखा नहीं मगर उस कैरेक्टर्स तो मालूम है, जोरो की जो आवाज़ है, जो जोरो है ना थोड़ा ऐसा मस्कुलर होना था। नहीं पहले जोरो ये टाइप का था, वैसी था। हाँ वैसी थी, आगे मुश्किल है। आगे मुश्किल होगा, ठीक है भाई चलता है फिर तो। हाँ जोरो का मतलब बराबर, और लूफी की मतलब जो मेरे को हिंदी वॉइस में देखा तो उतना सूट नहीं हो रही ऐसा दिखा। हाँ भाई उन्होंने ट्राई करे वो अच्छी बात है, अच्छी बात, मगर जो स्पाइडरमैन का जो एक्टर है वॉइस एक्टर उसकी डाली थोड़ा मेरे को। हाँ टॉम हॉलैंड वाला। हाँ 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 अच्छा अच्छा, थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। अजीब सब लगता है क्योंकि अपन जापानीज वाले हैं। हाँ जापानीज में और नामियोज में मतलब अभी सोप को पता वाला है, अच्छा सांजी को पता वाले है, और जोरो को नहीं अभी तो होता क्यों। अरे मेरे को दोनों को देखने का है, कैसे देखने। नामी को पता वाला है, नामी को इतने बड़े नहीं अभी बेचारी। अच्छा अच्छा वो देख कर मुझे गुस्सा है कि नामी के भी छोटे छोटे कर लिए अभी स्टार्टिंग, और हमें नामी बिकनी में चाहिए। स्टार्टिंग है, हाँ।
अब बस इसको हक देता नहीं होता जैसा हाँ। AOT की लाइव एक्शन को हके थे, वो लाइव एक्शन नेटफ्लिक्स ने बनाई थी, ये भूलो मत, वो लाइव एक्शन मतलब जापान में बनी है। अच्छा, ये नेटफ्लिक्स वाले प्रोडक्शन ये वाले, इसलिए मतलब नेटफ्लिक्स से तो मैं बहुत उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। अब जैसा एनिमेशन वाले तो मापा से उम्मीद रहती सबको, हाँ। वैसे लाइव एक्शन में नेटफ्लिक्स से उम्मीद है। भाई नेटफ्लिक्स में मेरे को आंकर वन पीस कम्युनिटी अगर टॉक्सिसिटी पे आए तो बहुत खतरनाक है। ये भी बोलो ना, मैं भी गालियां दूंगा। जोरो की वॉइस डेडपूल जो दिए थे ना, डेडपूल की वॉइस सुने तुमने? हाँ हाँ सुना ना। तो वही एक्टर थे ना, उन्होंने जोरो को कर दी, जोरो को दिया। मेरे हिसाब से लूफी को टोनी स्टार्क की वॉइस देना। और हाँ मतलब उसमें टल्ला का बोलते हैं ना टोली, उसमें क्या है ग्रुप टोली बोलते हैं, हम एक टोली बोल के बोलता है लूफी, तो उसमें क्या है उन्होंने टोली बोल दिया, मेरे को थोड़ा वो दिखा क्रिंज क्रिंज। हाँ भैया टोली क्यों बोले, क्रू भी बोल सकते तो। और उन्होंने क्या है गोमो गोमो मेरे को गम गम बोले। अच्छा वो है गोमो गोमो ना जापानीज में, उसमें क्या गम गम गम। और पिस्तौल है तो अपने इसमें मुक्का बता क्या, लूफी का एक अटैक है जिसमें वो गोमो गोमो बोल के हाथ दूर तक ले जाके ऐसा मारता। अच्छा। पिस्तौल की रफ्तार से। अच्छा पंच। हाँ। उसमें क्या है गोमो गोमो गो पिस्तौल बोल के डालो, तो अपने इंडिया वालों ने क्या कर दिए गोमो गो गम 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 मुक्का मुक्का। अरे इससे थोड़ा सा पंच कर देते। हाँ इसमें थोड़ा हक दिए। तो मतलब अभी तो मेरे को मतलब थोड़ी उम्मीद है कि बोले तो अभी हम लोगों ने टीजर ही देखा, अभी स्टार्टिंग ही छे। हाँ, टीजर देखा। हो सकता है इन फ्यूचर वॉइस एक्टर अगर बदल दिए या डायलॉग। नहीं नहीं वॉइस एक्टर वही रखो, मगर डायलॉग्स का जो है ना क्रिंज मत। हाँ डायलॉग थोड़े। हाँ भाई अपने इसमें इंडिया में ये बहुत बड़ा क्रिंज सेंसरशिप। और मतलब नेटफ्लिक्स में सेंसरशिप का कोई टेंशन नहीं है, नेटफ्लिक्स में नहीं नहीं आने में लाइव एक्शन मूवी है, नेटफ्लिक्स में दुनिया के ब्रूटल बताते हैं वही जैसा और सोच रहे वैसी रहे। जैसा नरूटो को हमारी हिंदी में जैसा हक दिए छिछोरे चाचा, उसमें ओल्ड मैन है जिसमें इन्होंने छिछोरे चाचा बना दिए छिछोरे दादा, थोड़ा मेरे को क्रिंज दिखा बुड्ढी सुनाड़े। हाँ तो वही मतलब बुरा लगता है भाई, बुरा लगता भी है और थोड़ा अनोइंग मत करो कॉन्टेंट। ये मेरे को ऐसा दिख रहा हो जैसा सेक्सी जुत्सु को क्यूट जुत्सु कर दिया ना ये लोग, वैसा ये अब वन पीस के साथ नहीं करना। हाँ ये तो एक वही कि मतलब वन पीस है वो द लेजेंडरी बिग थ्री में आता है वो। अब अगर वन पीस के साथ और बुरा भाई खेल कोई कोई तो मतलब वन पीस है वो, ये भूलो मत कि वो वन पीस है ना, के ना कोई अटैक ऑन टाइटन ये अभी भी कंटिन्यू में है। हाँ ये मत समझो नरूटो के ऐसा एंड हो गई, यहाँ फैंस देख रही है चुप रहेंगे। हाँ ऐसा भी नरूटो की बना है तो मैं पहले सीट पे मैच बैठूंगा। देखो नरूटो के फैन बहुत टॉक्सिक है। हाँ हाँ जस्ट लाइक ताहा ए सॉरी जस्ट लाइक इताची, इताची बहुत टॉक्सिक फैन हूँ मैं, सुनाड़े के ऊपर चढ़ जाते और मेरे पास ही सुना है। चलो बस करते हैं इसमें बहुत सारी बात चली, तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जब तक के लिए सुनते रहिए और सुनाते रहिए एनीमे कल्चर। मिलते हैं गाइस, बाय 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 बाय।